बढ़िया डाइवर्सिफाइड प्ले कौन सा लग रहा है? सो टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स एट दिस जंक्चर. सो जैसे मैं बता रहा था कि पीएम मोदी का विजन नॉट ओनली ऑन इंडिया लेवल बट ग्लोबल लेवल पे क्लीन टेक्नोलॉजीज, डीकार्बनाइजेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे फोकस बहुत ज्यादा है. हमने रिसेंटली देखा कि जो पीएलआई स्कीम्स आई है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ही ज्यादा एंकरेजमेंट दिया है और बेसिकली टाटा मोटर्स पे बेट अभी इसीलिए नो डाउट ये स्टॉक को हम इवन आईटीसी की श्रेणी में डालेंगे कि बहुत इजीली चलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस ये कंपनी में आने वाले 2-3 साल में होने वाले हैं. सबसे पहले मैं बात बताऊं तो द लीडर एट द टॉप मिस्टर चंद्रा, ही इज अ टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, और आगे जाते ऑटोमोटिव कंपनीज विल बिकम टेक्नोलॉजी कंपनीज जो बहुत ही टेक्नोलॉजी देने वाली है. और टाटा मोटर्स का जो इकोसिस्टम है, वेदर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज की, वेदर हम बात करें टाटा ऑटोमोटिव कॉर्प की, हम बात करें टाटा एलेक्सा, टाटा टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम टाटा मोटर्स के पास है. टाटा पावर जैसी उसकी सिस्टर कंसर्न है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें कि ईवी लॉन्च कर रहे हैं लेकिन इंफ्रा नहीं है, तो वो भी आने वाले 3-4 साल में 15,000 चार्जिंग स्टेशन डालने वाले हैं. तो फैंटास्टिक एक ईवी इकोसिस्टम बना रहे हैं. और इवन मैं बताऊंगा कि जो स्टैंड अलोन बिजनेस है जिसमें पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है उसमें बहुत ही फैंटास्टिक टर्न अराउंड हुआ है. 10% मार्केट शेयर हो गया है जो लास्ट ईयर 6% था. और ग्रोथ कैटेगरीज में लॉन्च कर रहे हैं, वेदर इट इज पेट्रोल कार्स, डीजल कार, सीएनजी एंड ईवी, तो बहुत ही ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है. आगे जाते हैं हमारा मानना है कि जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 2024-25 तक कंसोलिडेटेड लेवल का बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे और उसके लिए नॉन कोर एसेट भी मोनेटाइज करेंगे. उनके पास टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक है, टाटा फाइनेंस का स्टेक है, वो सब नॉन कोर एसेट सेल करके भी और कैश फ्लो यूज करके भी वो लोग काफी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे. दूसरी अच्छी बात यह है कि जेएलआर में जो शॉर्ट टर्म इश्यूज है जो चिप शॉर्टेज के है, वो आई थिंक आने वाले 6 महीने के बाद हम देखेंगे कि इनके जो नए लॉन्चेस है स्पेशली जो रेंज रोवर सेगमेंट में से वो पिकअप होंगे, तो वहां से भी मार्जिन्स इंप्रूव होंगे. और अच्छी बात यह है कि जेएलआर का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी का कोई कंसर्न नहीं है, लिक्विडिटी रिच बैलेंस शीट है. तो मेरा मानना है कि इस तरह का प्ले जो बहुत ही डिवर्सिफाइड है और आगे जाते हमारा मानना है कि इवन सीवी सेगमेंट में भी ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी. पास में अशोक लेलैंड तकलीफ दे रहा था लेकिन अभी टाटा मोटर्स का शेयर रीगेन हो रहा है, मार्जिन्स वापस आ रहे हैं और डिमांड भी अच्छा रहेगा. सो मेरा मानना है 1 साल के अंदर ये स्टॉक 400 के लेवल की ऊंचाई डेफिनेटली पार कर सकता है. बढ़िया प्ले है डाइवर्सिफाइड, पीवी सीवी अल्ट्रा प्रीमियम का वो पोर्टफोलियो और बाकी अग्रसर है ईवी जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है. कई लोगों के लिए एक ही कंसर्न है, वो पुराना बैग एंड बैगेज जो कैरी कर रहे हैं. पार्थिव कह रहे हैं वो सीवी स्पेस वगैरह भी अब धीरे धीरे अच्छा मोमेंटम देगी. 400 तक के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स पे लगा सकते हैं आप लोग दाव. और राहुल अरोड़ा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए, बहुत अरसे बाद उनके दर्शन हो रहे हैं. राहुल